पोस्चर की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से सबसे मेन प्रॉब्लम है शैलो ब्रीदिंग. व्हाट इज दैट? सो व्हेन वी ब्रीथ वी बेसिकली डू इट फ्रॉम आवर स्टमक, वहाँ हमारा एक मसल है डायफ्राम, और हमारे थोड़ी और एक्स्ट्रा एफर्ट में हेल्प करता है हमारे अपर चेस्ट के मसल्स जो हमारे रिबकेज से अटैच है. नाउ इमेजिन हमारे राउंडेड शोल्डर्स है विच इज़ अ वेरी पुअर पोस्चर, उसकी वजह से हमारे जो यहाँ के मसल्स है बहुत टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो रिब केज है प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं हो पाता, और वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं होता इसलिए हम ऑक्सीजन कम लेते हैं और हमारे धीरे धीरे हमारी ब्रीदिंग जो है उसकी एफर्ट ज़्यादा बढ़ने लगती है एंड वी स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट एंड दैट इज वॉट इज शैलो ब्रीदिंग. वट कैन यू डू फॉर इट? डेफिनेटली पोस्चरल करेक्शंस जाने के लिए बहुत नेसेसरी है. यू हैव टू गो फॉर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसमें हम हमारे बेली से ज़्यादा ब्रीथ करें, अपर चेस्ट से हम कम ब्रीथ करें, एंड डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑफ योर स्कैपुला.